देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि आपको हम बेसिक चीज़ें बताएं, जिसमें आप नेटवर्किंग कैसे करते हैं, एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ शेयर कैसे करेंगे, प्रिंटर को शेयर कैसे करेंगे, और अगर आपको अपनी ड्राइव को शेयर करना है तो आप उसे किस तरीके से करेंगे, कि सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको काम है कि आपको देखना है कि आपका पीसी किससे कनेक्ट है। तो जो हमारा पीसी कनेक्ट है वो कनेक्ट है बीजी नाम के एक नेटवर्क से। अगर हमें अपने डाटा को शेयर करना है तो सामने वाले पीसी के अंदर भी कौन सा नेट होना चाहिए? बीजी। अगर उसका नेट डिफरेंट होगा, राहुल, अगर उसका नेट डिफरेंट होगा तो वो उस केस में क्या नहीं कर सकता, वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप किसी भी सिस्टम में इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन क्या है, आपका नेटवर्क सेम होना चाहिए, और अगर आपका नेटवर्क सेम नहीं होगा तो आप एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट करने का सबसे पहला काम होता है कि आपके पास जो भी आइकन आता है नेटवर्क का, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करते ही आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होता है ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको बिजी मिलेगा जो एक प्राइवेट नेटवर्क है, साथ साथ अभी एक्सिस टाइप क्या है, इंटरनेट, होम ग्रुप रेडी टू क्रिएट है, और कनेक्शन में क्या नाम आ रहा है, बिजी। जो भी यूज़र का नाम आएगा वो आपको शो करेगा। उसके बाद आपको जाना है, अगर आप इसके अंदर और कुछ देखना चाहते हैं तो आप वाईफाई पर जाएंगे, और वाईफाई पर जाने के बाद अभी देखो कितनी एमबीपीएस स्पीड आ रही है, 72 एमबीपीएस स्पीड आ रही है, मतलब एक फ़ोन के नेट की स्पीड इस समय इतनी आ रही है जो एक राउटर प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसके साथ साथ अगर हमें इसका पासवर्ड पता करना है तो पासवर्ड के लिए हम जाएंगे वायरलेस प्रॉपर्टी, और जैसे ही वायरलेस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलती है एक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर जाना है, और सिक्योरिटी पर जाने के बाद हमें एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है नेटवर्क सिक्योरिटी की, और जैसे ही हम शो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का जो भी पासवर्ड होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पीसी का पासवर्ड पता कर सकते हैं, ये पहला काम हो गया। इसके बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में अगेन जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जैसे इसकी डिटेल क्या है, डिटेल का मतलब कि इसकी स्टैटिक आईपी क्या है, इसकी आईपी क्या है, 192.168.43.167, ये इसकी क्या है, आईपी है। आईपी का मतलब होता है कि अगर आप कहीं और बैठे हुए हो और आप मेरे पीसी को एक्सेस करना चाहते हो तो मेरे इस आईपी के थ्रू ही आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें सारी डिटेल होती है, ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर। हम जाएंगे एडवांस शेयरिंग सेंटर में, और सबसे टॉप में ही आपको मिलेगा नेटवर्क डिस्कवरी में, सबसे पहले आपको टर्न ऑन रखना है, टर्न ऑन प्रिंटर रखना है, अलाउ विंडो रखनी है, और नीचे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है अलाउ ऑल नेटवर्क। बस आप सभी को क्या करना, टर्न ऑन शेयरिंग एनीवेरी नेटवर्क, यूज़ 132/8 bit, और पासवर्ड को आप हमेशा क्या रखेंगे, प्रोटेक्ट। और जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे और उसके बाद अगर दिस पीसी में जाएंगे और नेटवर्क के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी आपके पीसी का नाम था वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। अगर शेयर नहीं होता तो यहाँ पर कभी नहीं आता। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे कंप्यूटर का नाम इजी हो तो आप इसके में जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको मिलता है आपके पीसी का नाम, बस आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर आपके कंप्यूटर का नाम शो हो रहा है और यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है चेंज सेटिंग। जैसे ही आप चेंज सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड अपने पीसी के नाम को चेंज। मैंने यहाँ से रख दिया क्या, admin-pc। तो अब हमारे पीसी का नाम क्या है, admin-pc। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद इसे ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि इस नाम को तभी ये परफॉर्म करेगा जब आप पीसी को क्या करोगे, रीस्टार्ट करोगे। तो हम रीस्टार्ट क्या कर देंगे, लेटर, और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद अगर हम नेटवर्क में जाएंगे तो हमें अभी भी सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम।
दूसरा, अगर आपको पता करना है कि आपका पीसी अभी शेयरिंग मोड पर है, तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएंगे, यहाँ पर एक कमांड आएगी जिसका नाम है रन कमांड। तो आप इस कमांड में क्या टाइप कर दो, अपने प्रिंटर का नाम, अपने पीसी का नाम टाइप कर दो। तो मैंने डबल स्लैश लगाया तो जो मेरे पीसी का नाम था वो आ गया, और जैसे ही ओके करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि इस पीसी के नाम से अभी ये डी ड्राइव शेयरिंग पर है और यूज़र नाम का फोल्डर शेयरिंग पे। सर, अगर मुझे कोई ड्राइव शेयर करनी है तो मैं उसे किस तरीके से शेयर कर सकता हूँ? सिंपल है, आपको अगर कोई ड्राइव, कोई फोल्डर शेयर करना है तो आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है शेयरिंग। जैसे ही आप शेयरिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिख के आता है नेटवर्क फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग। ई ड्राइव है, अभी क्या है, नॉट शेयर है। आपको कहाँ जाना है, एडवांस शेयरिंग पे। और जैसे ही एडवांस शेयरिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ सबसे पहले पूछेगा शेयर दिस फोल्डर, मैंने कहा यस। क्या आप पूरी ई ड्राइव को शेयर करना चाहते हो, मैंने कहा यस। लेकिन मैं ई ड्राइव को जब शेयर करूँ तो मुझे वहाँ पर क्या दिखाए, शाहरुख। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, शेयर। तो यहाँ पर शाहरुख आ गया। अच्छा, इस फाइल को कौन कौन एक्सेस कर सके, मैं कर सकूँ, आप कर सको, कौन? तो हमने यहाँ लिख दिया परमिशन में कौन यूज़ कर सके, एवरीवन। अच्छा, जब एवरीवन यूज़ करेगा तो क्या आप उसे पूरा कंट्रोल देना चाहते हैं, क्या कोई चेंज करना चाहता है? हाँ, मैं चाहता हूँ वो चेंज कर सके, साथ साथ वो रीड कर सके। अगर आप चाहते हो नहीं वो कोई चेंज ना करे, खाली वो रीड का काम करे, तो आप किस पर से अनटिक कर देंगे, इससे अनटिक कर देंगे, तो वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल हम इसे क्या कर देंगे, आ जा क्लास में हूँ, आ जा, ठीक है। अब मैं फुल कंट्रोल पर क्लिक कर दूंगा, अप्लाई करूंगा, और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करूंगा, और दोबारा से मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, एवरी वन, ठीक है। अप्लाई करूं, ओके करूं, और जैसे ही क्लोज करूंगा तो यहाँ पर क्या हो गया, शेयर। शेयर हो जाने के बाद जैसे ही मैं कंट्रोल विंडो आर करूंगा और जैसे ही इंटर मारूंगा, अब यहाँ क्या आ जाएगा, शार। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब तुम पीसी को शेयर करते हो वो पूरी तरीके से शेयर मोड पर नहीं जाता, तो हमें क्या करना होता है, हम राइट क्लिक करते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और यहाँ एक टॉपिक आता है, कई बार आता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिख के आता है, मतलब कि आपको इसे सुपर से राइट देने, मतलब जो कंप्यूटर का सुपर यूज़र है उसकी परमिशन से आप इसे क्या दे दो, राइट दे दो। और जैसे ही आप इसको राइट देंगे, ये दूसरे पीसी में क्या होने लगेगा, वर्क करने लगेगा, क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। तो हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं। अगर अब मैं विंडो प्लस आर करूँ और यहाँ से जब एस ड्राइव में जाऊँगा तो यहाँ पर सारे फोल्डर आ गए, क्या आ गए, सारे फोल्डर। और जब मैं लोकेशन देखूँ, देखो लोकेशन मुझे ऐसे पता मिलेगी, सी डबल स्लैश, फिर डेस्कटॉप पीसी, फिर शाहरुख, उसके बाद मान लो अगर मैं सचिन में जाता हूँ तो क्या पाथ बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पर बीजी को चलाओगे तो बीजी के अंदर आप अपने पीसी का पाथ नहीं दोगे, अब कौन से बीजी का पाथ दोगे, आप अपने नेटवर्क पे जाओगे और यहाँ से उस पाथ को कंट्रोल वी के साथ क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। जैसे मैं सचिन वाले फोल्डर को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो अब मेरी कंपनी कौन से फोल्डर में, डेस्कटॉप, ठीक है। कोई ड्राइव नहीं दिखाएगा अब यहाँ पर, यहाँ क्या दिखाएगा, लोकेशन दिखाएगा उस सर्वर की जहाँ से तुम उस डाटा को क्या करोगे, रीड करोगे। अब तुम हर चीज़ यहाँ पर शेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हर चीज शेयर कर सकते हो। ये तो हो गई शेयरिंग। अगर आपको अपने प्रिंटर को भी शेयर करना है, आप चाहते हो कि देखो हर जगह ऑफिस में एक ही प्रिंटर होता है, एक पीसी यहाँ पर है, दूसरा पीसी वहाँ पर है, तीसरा पीसी वहाँ है, लेकिन प्रिंटर लगा हुआ है,
मैं चाहता हूँ वहाँ वाला कमांड दे तो प्रिंट निकल जाए, वहाँ वाला कमांड दे तो प्रिंट निकल जाए, मतलब मैं कहीं भी बैठा हूँ और मैं कहीं से भी कमांड दूँ वो डायरेक्ट उस पीसी से निकल जाए। तो उस केस में अगर तुम लोगों को अपना प्रिंटर भी शेयर करना है तो उसके लिए कहाँ जाना है, सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल। कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। यहाँ एक टॉपिक होता है जिसका नाम है हार्डवेयर एंड साउंड। जैसे ही हार्डवेयर एंड साउंड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जाओगे डिवाइस एंड प्रिंटर, और जैसे ही डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करोगे तो जो भी प्रिंटर होंगे वो सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक टॉपिक होता है प्रिंटर प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करोगे, अभी एक्चुअली कोई है नहीं ना इसलिए दिक्कत कर रहा है, मैं अगर प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जाऊँ, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर क्या आता है शेयरिंग, शेयर पे भी गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर की शेयरिंग नहीं हो पाएगी, कोई और पीसी लेके देखते हैं, अगर ये चला जाए तो यहाँ पर आएगा शेयरिंग। मतलब तुम जैसे ही शेयरिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या आप प्रिंटर को शेयर करना चाहते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो क्लिक करो और क्या कर दो अप्लाई। ठीक है, अगर इसमें तो नहीं ले रहा, ये ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, शेयरिंग देखो ये आ गया। आगे यहाँ पर जाएंगे कहाँ पर, शेयर दिस प्रिंटर, यहाँ प्रिंटर का नाम क्या रखना है, मैंने नाम टाइप कर दिया शाहरुख। उसके बाद अप्लाई कर दिया, देखिए लिखा है कि नाम पहले से ही एग्जिस्ट है तो ये लेगा नहीं। इसके बाद मैं अंडरस्कोर, या चलो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ HP प्रिंटर, इसे अप्लाई और ओके। लेकिन अभी भी होने के बाद ये कमांड नहीं एक्सेप्ट करेगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। तो उसके लिए आपको विंडो प्लस R करना है, उस PC को ओपन करोगे और जो प्रिंटर आपने शेयर किया तो वो प्रिंटर यहाँ आ जाएगा। ये मैं कैसे लाया, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस R दबाया, उसके बाद ही आया। इसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, कनेक्ट। तो जैसे ही मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा ये कनेक्ट होगा, उसके बाद निकालेगा। अब अगर सामने वाला इस PC को एक्सेस करना चाहता है, सामने वाला अगर इस PC को एक्सेस करना चाहता है या इस वाले को एक्सेस करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? गुड इवनिंग, विक्की मना किया है, सत्याम देखिए, अब मैंने दोनों PC को कनेक्ट कर लिया है, एक PC मैंने यहाँ पर भी कनेक्ट कर लिया अपना लैपटॉप। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके वाईफाई देखता हूँ कौन से कनेक्ट है। तो देखो ये किससे कनेक्ट है, BG से कनेक्ट है। इसके बाद मुझे इस पर राइट क्लिक करना है, कहाँ जाना है, ओपन नेटवर्क शेयरिंग में जाना है, और इसकी भी सेम वही कन्फिग्रेशन करनी है जो मैंने अपने प्रिंटर अपने PC की थी। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर देखो मुझे मिल रहा है प्रॉपर्टीज़, मैं प्रॉपर्टीज पर जाऊंगा, दोबारा राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क, देखो नीचे एक टॉपिक मिल रहा है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, बस आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने वही विंडो आ जाएगी, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, बस आपको इस पर क्लिक करना है। इसे करने के बाद आप किस पर क्लिक करोगे, इसे नेटवर्क को टर्न ऑन करोगे, इसके बाद नीचे जाओगे और यहाँ से देखो सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसके बाद क्या कर दोगे इसे आप सेफ हो गया और बस आप क्लोज कर दोगे। इतना काम है। अब आपको क्या करना है, मेरे PC की ड्राइव को क्या करना है, एक्सेस करना है। इसके लिए आप अपने इस वाले PC पर आओ, मैं अपने मेन PC पर आ गया। मेन PC पर आने के बाद मैं क्या दबाऊँगा, विंडो R, मेरे PC का नाम क्या था, दिस वन, मैं इसको कॉपी करूंगा और कहाँ टाइप कर दूंगा, अपने लैपटॉप में। अब क्या दबाऊंगा, विंडो R, जिससे रन कमांड आ जाएगी, और रन कमांड में जाने के बाद मैं अपने प्रिंटर का क्या टाइप कर दूंगा, अपने PC का नाम, और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे वो शेयर होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा।
शायद कोई दिक्कत है, अभी हुआ नहीं है, अभी आएगा। देखो देखो ये आ रहा है, विंडो कांट एक्सिस। पता ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उस पीसी का अब क्या हो चुका है, नाम चेंज हो चुका है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक पीसी को दोबारा से, देखो अब ओपन हो गया, रीड हो गया, ये ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद यहाँ डी ड्राइव आ रही है, यहाँ प्रिंटर आ रहा है। अगर मुझे इस पीसी को प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, कनेक्ट। और जैसे ही मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा, देखो कनेक्शन टू HP प्रिंटर ऑन डेस्कटॉप, तो ये क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक प्रिंटर को दो पीसीओ में आराम से कनेक्ट करके, कमांड कनेक्ट हो गया। अब मुझे बीजी चलाना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बीजी चले वो शाहरुख नाम के फोल्डर से चले, ड्राइव होनी चाहिए सचिन। तो मैं इस वाले पाथ को कॉपी कर लूँ, मैंने इस पाथ को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैंने बीजी को अगेन ओपन किया, ये मेरा बीजी ओपन हो गया, बीजी 18। मैंने यहाँ से बीजी 18 को ओपन किया, बीजी 18 ओपन हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं सेट डाटा डायरेक्टरी पर जाऊँगा, इस फोल्डर पर मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूँगा उस डायरेक्टरी को, और जैसे ही इंटर मार के मैं ओपन करूँगा, अब देखो मुझे दोनों कंपनी क्या हो गई, शो हो गई। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से एक सर्वर को पीसी से कनेक्ट करना है तो इस तरीके से चलाना है। हर जगह जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं वो सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, इससे अलावा कोई भी एक्सेप्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर आपको ऐसे पाथ को कॉपी करने में दिक्कत आती है तो आप क्या करें, आप इसकी प्रॉप यहाँ पर जाएं, फोल्डर पे जाएं। अब अपने पीसी का नाम नहीं देंगे, आप किसका नाम देंगे यहाँ से, आप नेटवर्क, तो यहाँ पर नेटवर्क में जाएंगे। इसके बाद आपका जो भी पीसी का नाम होगा वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, और उसके बाद आप उसे कनेक्ट कर लें। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, जब आप प्रिंटर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो उस केस में आप प्रिंटर को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने बीजी को ओपन किया, बीजी ओपन हो जाने के बाद अब मैं यहाँ से अपनी कंपनी को ओपन कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी ओपन हो गई। कंपनी ओपन हो जाने के बाद मैं यहाँ से बीजी में गया, कोई सेल का बिल नहीं बना हुआ है, मैं ऐड पर गया और यहाँ से एक बिल बना लेता हूँ। मान लो मैंने बिल बनाया, आइटम ले ली और इंटर इंटर मार के मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, ये मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब यहाँ से जो प्रिंटर दूंगा ना, मैं अपने नॉर्मल प्रिंटर नहीं दूंगा, कौन सा प्रिंटर दूंगा, पीसी का नाम क्या था मेरा, डेस्कटॉप, ये पीसी का नाम था, तो मैं इस प्रिंटर की से कमांड दूंगा। अब मुझे अपने लोकल प्रिंटर से कमांड क्यों नहीं देनी, क्योंकि मेरे शेयरिंग पीसी वाला चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिंटर मेरे पीसी में कोई प्रिंटर की वायर नहीं लगी हुई, जो मेन सर्वर पे लगी मुझे उसी से कमांड देनी है। तो यहाँ पर मैं किसको सिलेक्ट कर लूँगा, डेस्कटॉप डैश NJQTOO, ठीक है, जो भी नाम है वो, और उसके बाद क्या दे दूँगा, कमांड। तो इस तरीके से हर जगह यही काम होता है, पीसी एक हो, प्रिंटर एक होता है, पीसी कई सारे कनेक्ट होते हैं, तो आप इस तरीके से वन बाय वन सबको क्या दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाटा नहीं शेयर करना, आपको कोई एक्सेल की फाइल शेयर करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कुछ और शेयर करना है, सब इसी तरीके से होता है। ये काम चाहे आप बीजी सॉफ्टवेयर पे करो, ये काम आप चाहे टैली सॉफ्टवेयर पे करो, मार्क पे करो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम होगा, लेकिन नेटवर्किंग सेम ही होती है। इसके हम 1500 से लेकर 2000-2500 तक चार्ज होता है, बस इतने ऑप्शन को अनेबल करना होता है और एक पीसी से दूसरे पीसी को कनेक्ट करना होता है। इस काम को कहते हैं नेटवर्क, नेटवर्किंग, क्या बोलते हैं इसे हम, नेटवर्किंग। देख लो आप लोग, इतना जरूरी है, ठीक है, इतना समझ आ गया। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इतना आ गया समझ में। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं।
क्लोज करने के बाद अगर आप इस डाटा को कॉपी करना चाहते हो, अगर सामने वाला पीसी इस डाटा को कॉपी करेगा, कॉपी वॉपी सब कर सकता है लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम होगी और पीसी के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को पता होना चाहिए कि आप एक पीसी से दूसरे पीसी में कैसे चलाते हैं। इसके बाद आज मैं आपको बीजी से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आप सभी को पता होना चाहिए। पहली ट्रिक्स है कि अगर आप बीजी के अंदर अपनी लोकेशन को फिक्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जैसे आप बीजी को यहाँ से ओपन करते हैं, तो जब बीजी ओपन होता है तो आप यहाँ पर आके अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं ना कि मुझे इस कंपनी में या इस फोल्डर में अपनी कंपनी सेव करना। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी की कोई लोकेशन क्या ना कर सके, चेंज ना कर सके, जिस लोकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ वो हमेशा परमानेंट फिक्स हो जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पर जाना है और न्यू पर जाने के बाद कहाँ जाना है, शॉर्टकट। जैसे ही आप शॉर्टकट पर क्लिक करोगे तो यहाँ मिलेगा टाइप द लोकेशन ऑफ आइटम, आपको इस फोल्डर पर क्लिक करना है, दिस पीसी पर जाना है और यहाँ से क्या लेना है, लोकल डिस्क। आपका बीजी का इंस्टॉल है सी ड्राइव में, आपको सी ड्राइव में जाना है और यहाँ से किसका पाथ दे देना है, बीजी 18 और ओके कर देना है, क्लियर। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा स्पेस देना है और लिखना है पी ए टी एच, इसका मतलब क्या होता है, पाथ। इसके बाद इक्वल लगाना है और कंट्रोल वी के साथ उस लोकेशन को फिक्स कर देना है जहाँ से आपकी कंपनी चलेगी, इसे कहते हैं लोकेशन को फिक्स करना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट करो और कंट्रोल वी के साथ मतलब सेव कर दो, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप बिजी को चलाओगे तो अब आपकी जो लोकेशन होगी, सेट डाटा डायरेक्टरी पर जाओगी तो एक मैसेज आएगा, कांट यूज दिस ऑप्शन सिंस यू हैव स्पेसिफाइड द डाटा पाथ इन द पैरामीटर लिस्ट, यू कांट चेंज द डाटा पाथ फ्रॉम हियर। तो आपको कभी पाथ देने की जरूरत नहीं है और जो आपने पाथ दे रखा है आप उसी से काम कर सकते हैं। तो हम अगर किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और हमें डर रहता है कि वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, तो उस केस में हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप चाहते हो कि इस वाले आइकन भी चेंज हो जाए, तो अगर आप इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और इसका टॉपिक होता है चेंज आइकन, तो आपको जो भी आइकन चाहिए आप यहाँ से उस आइकन को ला सकते हैं। जैसे आपने कहा मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो आप ग्रीन ले सकते हैं, आपने कहा डेंजर चाहिए तो आप डेंजर अप्लाई भी कर दो। ये तभी आएगा जब आपने क्या कर रखा हो, इसको ऐसे पास से कनेक्ट किया हो। पहला राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे चेंज आइकन और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि आपका बीजी कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है। आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो आप ये जरूर देखें कि आपका बीजी कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको चेक करना है कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है, तो आप उसकी सिंपल राइट क्लिक करें और एक टॉपिक होता है ओपन फाइल लोकेशन, तो जैसे आप ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो आपका बिजी कहाँ इंस्टॉल है, सी ड्राइव बिजी में। अगर मैं आपको बोलूँ तो 95% ऐसा होता है कि आपका बिजी हमेशा सी ड्राइव बिजी बिन में ही इंस्टॉल होता है। आप कहीं भी जॉब करें तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बिजी होता है वो सी ड्राइव बिजी बिन में इंस्टॉल होता है। अगर आपको ये पता करना है कि टैली कहाँ इंस्टॉल है, तो राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन, तो आप पता कर सकते हैं टैली हमारा सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल टैली /1 के अंदर इंस्टॉल है। अगर आपको पता करना है कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर का इंस्टॉल है, तो राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन, तो ये आपका सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल ZD सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ पर है। तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर देखना है आप इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा जब आप किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है, फिलहाल अभी आया नहीं। अगर आप किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं और वहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आता है तो उसे कैसे लाएं, तो आप क्या करें, रिसाइकल बिन पर जाएं,
इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएं तो एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स। बस अप्लाई कर दें और इसके बाद आप किसी भी चीज़ को डिलीट करेंगे तो आपसे वो क्या लेगा, कंफर्मेशन। तो कई बार हम जब किसी चीज़ को डिलीट करने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हमसे कंफर्मेशन नहीं लेता। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन लेकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो आप इस तरीके से अपने पीसी को शेयरिंग मोड पर डाल सकते हैं, एक पीसी को दूसरे पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क एरिया में आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।